आज हमारे शो हेल्दी तड़का ने सफल 50 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। इसके लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि आपके प्यार और स्नेह की वजह से ही ये संभव हो पाया है। अपना प्यार ऐसे ही हमारे शो पर बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो हेल्दी तड़का में, जहां हम आपको ये बताते हैं कि किडनी के मरीज अपनी डाइट में क्या ले सकते हैं। साथ ही हम आपको किडनी मरीजों को दिए जाने वाले आहार की विधि भी बताते हैं। ऐसे ही आज हम आपको वेजिटेबल रायता बनाने की विधि के बारे में बताएंगे। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, इससे आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और साथ ही आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय और जानते हैं वेजिटेबल रायता बनाने की विधि। जैसा कि गर्मी का मौसम आ रहा है और ऐसे ही स्वस्थ इंसान तो अपनी डाइट में कई चीज़ों को शामिल कर सकता है, लेकिन जब बात किडनी के मरीजों की आती है तो उन्हें अपनी डाइट में सीमित चीज़ों को ही जगह देनी पड़ती है। इस गर्मी के मौसम में किडनी के मरीज अपनी डाइट में रायता शामिल कर सकते हैं, लेकिन किस तरह का रायता खाएं, इसके लिए उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना होगा। लेकिन हाँ, किडनी के मरीज वेजिटेबल रायता खा सकते हैं, जिसकी विधि हम आपको आज अपनी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। किडनी के मरीजों को वेजिटेबल रायता बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत होगी। सबसे पहले रायता बनाने में सिर्फ उन्हीं सब्जियों का प्रयोग करें जिनका सेवन किडनी के मरीजों को अलाउड हो। रायता बनाने के लिए जिन भी सब्जियों का प्रयोग करें उसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक उबाल लें। सबसे जरूरी बात, इसका सेवन कितनी मात्रा में करना है इसके लिए डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। चलिए जानते हैं कि वेजिटेबल रायता बनाने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी। आधी छोटी कटोरी बारीक कटा प्याज, आधी छोटी कटोरी गाजर बारीक कटी हुई, आधा छोटा उबला आलू बारीक कटा हुआ, एक छोटी हरी मिर्च बारीक कटी हुई और बीज निकाल कर, आधे छोटे चम्मच से कम भुना और पिसा हुआ जीरा, आधी कटोरी दही, ताजा और गाय के दूध या डबल टोन दूध से ही बना होना चाहिए, एक चुटकी सेंधा नमक। आइए जानते हैं इसकी विधि। सबसे पहले दही को अच्छे से मिला लें। अब दही में बारीक कटे प्याज, उबला आलू, गाजर और हरी मिर्च डालें और सेंधा नमक डालकर अच्छे से मिला लें। फिर इसमें ऊपर से आप जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें। ये वेजिटेबल रायता तैयार है। किडनी के मरीज ध्यान रखें कि उन्हें रायते में सिर्फ वही सब्जियों का प्रयोग करना है जिसके लिए डॉक्टर ने अलाउ किया हो, और साथ ही इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। किडनी के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में इसके लिए आपको डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेनी जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ। इसके अलावा आपको बताएं कि अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से परेशान है तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी समस्या लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपसे खुद संपर्क करेगी। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। हेलो सर, अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम शशिकांत झा हुआ। कहाँ से आए हैं सर? बिहार पूर्णिया से। बिहार पूर्णिया से, ठीक है। कर्मा आयुर्वेदा आने से पहले आपको क्या क्या चेंज, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको? क्रिएटिनिन बढ़ गया था, 150 था, और शुगर में प्रोटीन आ रहा था जी, और प्लस 2 था जी, और पेशाब में झाग आ रहा था, ठीक है। जो अभी जो दवाई खाने के बाद वो क्रिएटिनिन हो गया 1.22, ये 10 दिन में शुगर में झाग आना कम हो गया, और जो प्रोटीन था जी नेगेटिव हो गया, ठीक है। पहले कितना बताया आपने? 1.50, ठीक है। अभी है 1.22 जी, और प्रोटीन कितना बता रहे हैं आप? प्लस टू, और अब नेगेटिव आ गया है आपका? अभी नेगेटिव आ गया। 15 दिन आपने मेडिसिन खाई है, ठीक है। आप अपनी रिपोर्ट्स दिखाएंगे एक बारी? रिपोर्ट्स ये है, अपनी तरफ कर, इधर कैमरे की तरफ करके दिखाइएगा, देख सकते हैं। पहले
पहले 2+ की रेंज में इनका प्रोटीन जा रहा था और अब नेगेटिव हो गया 15 डेज मेडिसिन खाने के बाद। और क्या क्या फिजिकली आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं? फिजिकली चेंज आ रहा है कि थोड़ा सा वीकनेस है और सब जो है जैसे पहले होता था बार बार पेशाब आता था, हाँ जी, तो बंद हो गया है जी। रात में नींद नहीं होती थी तो आती है, ठीक है, शाम से पाता है जी। पहले रात भर सो नहीं सकते थे, हाँ जी, लेकिन अब जो है ये मेडिसिन मैंने ये खाने के बाद जी का दवाई खाने के बाद, हाँ जी, रात में नींद आती है जी, पेशाब कम होना शुरू हो गया। पहले रात भर हमको रात में करीब 10 माने आधा घंटा घंटा बाद पेशाब करना पड़ता था। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।